आप सुनिए सुन रहे हैं जयपुर, जहां पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन और मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे जयपुर शहर के लोकप्रिय सांसद बहन मंजू शर्मा जी, हमारे विधायक गोपाल शर्मा जी, सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग नीरज कुमार पवन जी और इस रन फॉर यूनिटी की दौड़ में शामिल होने के लिए आए मेरे युवा साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं रन फॉर यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 31 अक्टूबर को है, हम हमेशा 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा कार्यक्रम होता है, लेकिन उस दिन दीपावली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने मन की बात में कहा था कि यह कार्यक्रम हम 29 को करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, लोग उर्दो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस देश के स्वतंत्रता में और इस देश की एकता में बहुत बड़ा योगदान है। आप सबने पढ़ा होगा इतिहास में, अगर हम देखें तो यह देश रियासतों में कबीलों में बटा हुआ था और इसी कारण से आपने देखा था हमने हजारों सालों की गुलामी झेली थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश के ऐसे लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जिस तरह से रियासतों को एक करते हुए इस भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, एक अखंड भारत का उन्होंने जिस तरह से एक दृश्य बनाते हुए एक निर्माण करने का काम किया, निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि पटेल जी का जो योगदान है उसको हम भुला नहीं सकते। उनको जो काम टारगेट दिया था आजादी के समय वो उन्होंने पूरा किया। उनके मन के अंदर ये भाव था कि मेरा भारत श्रेष्ठ भारत हो, और मैं कहता हूं अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये हमारी विशेषता है, क्योंकि अनेक भाषाएं हैं, अलग खान पान है, अलग पहनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा भारत एक है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। और मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान रहा है, आपने देखा होगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और आपने देखा होगा कि जिस तरह से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण का अगर आप महत्व देखेंगे तो निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित होंगे। देश के हर कोने से हर वो किसान जिसने अपने खेती करने का जो उनका औजार है एक एक को कलेक्शन करते हुए पूरे देश में से, वो मजदूर जो मजदूरी करता है उसका भी योगदान उसमें है, देश के हर नागरिक का उसमें योगदान है। और हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर स्टेच्यू है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, और वो हमारी भारत की एकता और अखंडता को दर्शाती है। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि ये मूर्ति ने हम सबके लिए संदेश है, और इस स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को एक बार अवश्य रूप से आप लोग जाएं और एक बार देखें, आपके अंदर अगर वहां जाएंगे तो एक अलग ही अनुभूति पैदा होगी कि हमारे देश के लिए ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जिस तरह से काम किया है। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि जिस तरह से भारत की एकता और अखंडता के प्रति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवल एक मूर्ति नहीं है, वो हमारे भारत को एक एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। मैं आपको उनके महान नायक के त्याग और समर्पण को भी याद दिलाता हूं कि उन्होंने किस तरह से एक एक रियासत जो उनको टास्क दिया था उन
सबको एक करते हुए भारत को एक किया है। और मैं जो उनका सपना था, जम्मू कश्मीर का जो उनका सपना था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के गृह मंत्री जी को कि जो उनका सपना था धारा 370 का, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को कार्यों को रेखांकित करने के लिए उनकी 150वीं जयंती को इस साल राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से उसके कार्यक्रम भी आएंगे, उनको भी करेंगे। आज हम रन फॉर यूनिटी में शामिल होकर हमने अपने महान नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आइए सरदार पटेल की तरह हम भी सशक्त हों, एकजुट हों और भारत के निर्माण में हमारा योगदान हो, ऐसा मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं। आप सभी आए हैं, निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत है। आने वाले आज क्योंकि धनतेरस भी है, कल दीपावली है, परसों दीपावली है, गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है, इन सभी त्योहारों की आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक हम राष्ट्रीय एकता की शपथ लेंगे, हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, सावधान की मुद्रा में खड़े हों और अपना हाथ आगे निकालें, अपना दाहिना हाथ आगे कर लें, आप दाहिना हाथ सभी लोग हम शपथ लें। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने साथी देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और हम सबके मन में एक ही संकल्प है कि हम इस देश की आन बान और शान को हमेशा बढ़ाएंगे, इसके रोम रोम में ऐसा देश प्रेम घोल देंगे कि हर जुबान पर एक ही वाक्य होगा, सारे जहां से अच्छा है दोस्ता हमारा। और ये तीनों तिरंगे की रंग की छटा को बिखेरते हुए ये गुब्बारे आसमान में फैलाएंगे एकता का संदेश। पहले और उसके बाद हरी झंडी, तैयार हो जाइए हरी झंडी दिखाने के बाद निकले तालियों के जय घोष के साथ। और इसके साथ ही गुब्बारों को आसमान में माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथि गणों के कर कमलों से, और इसके साथ ही हरी झंडी के साथ शुरू होगी एकता की दौड़, रन फॉर यूनिटी। एकता दिवस के इस आयोजन में शामिल है जयपुर के आम खास नागरिक और हमारे युवा। एकता की दौड़ और एकता की दौड़ हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा विधानसभा भवन के सामने से होते हुए, नगर निगम लाल कोठी के सामने से होते हुए पहुंचेंगे रामबाग सर्कल तक, और रामबाग सर्कल के बाहर से अम्बेडकर सर्किल से होते हुए दौड़ यहाँ समाप्त होगी। और पूरे अमर जवान ज्योति के इस परिसर से सवाई मानसिंह स्टेडियम के परिसर के चारों तरफ आज की ये एकता की दौड़ रन फॉर यूनिटी, जिसमें शामिल हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक, हमारे पुलिस के जवान, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के छात्र, स्काउट्स और गाइड्स, हिंदुस्तान गाइड और स्काउट के हमारे सभी गाइड्स, और जयपुर के नागरिक, आम
आज के इस एकता के दौड़ में बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी अतिथिगण।